तो नेक्स्ट जो हम पढ़ाने जा रहे हैं ठीक है दैट विल कम अंडर इंडिविजुअल डिफरेंसेस अब हम बात करते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते क्या हैं एज वी आर रीडिंग एयर कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हैं कि बेसिकली इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं ठीक है थीके? कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं होते तो वो आपके किस में आते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेज की हर एक पर्सन जो है वो इंडिविजुअली डिफरेंट है दूसरे से ठीक है देन चलो हम चलते हैं आगे क्वेश्चन भी हो गए आज काफ़ी ज़्यादा कवर हो जाएगा आज ठीक है इंडिविजुअल डिफ्रेंसेज का पूरा हो जाएगा सो इंडिविजुअल डिफरेंसेज स्टैंड फॉर द वेरिएशन एंड डेविएशन अमॉन्ग इंडिविजुअल इन रिगार्ड टू बी अ सिंगल करेक्टरिस्टिक्स और नंबर ऑफ करेक्टरस्टिक्स ठीक है इट कैन बी रिगार्डिंग द सिंगल करेक्टरस्टिक्स ठीक है जैसे एप्टीट्यूड किसी का मैथ का अच्छा है किसी का साइंस का अच्छा है किसी का सोशल साइंस का अच्छा है ठीक है किसी का मैकेनिकल एप्टीट्यूड अच्छा है तो ये आपका सिंगल उसमें हो गया अगेन मल्टीपल फैक्टर कैन बी देयर डिफरेंसेस मल्टीपल फैक्टर से भी हो सकते हैं और सिंगल से भी हो सकते हैं सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट इन मल्टीपल फैक्टर एज वेल एज सिंगल फैक्टर ठीक है देन अब ये क्या है एक दूसरे से जो एक दूसरे को क्या बनाती है बेसिकली यूनिक बनाती है किसी एक इंडिविजुअल को हम यूनिक क्यों मानते हैं क्यों बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेज क्योंकि वो पर्सन यूनिक है क्योंकि उसके जैसा कोई और नहीं है दैट्स वाई एक पर्सन जो है वो क्या है यूनिक है ठीक है और यही एक इंसान को क्या बनाती है यूनिक बनाती है आगे चले सो so, अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हम टाइप देख रहे हैं टाइप क्यों क्योंकि ये कितने तरीके से के इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं एक पर्सन में ठीक है सो टोटल यहाँ ट्वेल्व टाइप ऑफ डिफरेंसेस मैंने मेंशन किए हुए हैं ठीक है देन हम बात करेंगे फर्स्ट वन इज फिजिकल डिफरेंसेस कोई तो दो लोग एक जैसे दिख सकते हैं दिख सकते हैं कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा हाँ, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, बट वो भी एग्जैक्ट सेम नहीं होते दिस इज द डिफरेंस वो भी एग्जैक्ट सेम कभी नहीं होते उनका भी थोड़ा बहुत बाल का डिफरेंस तिल का डिफरेंस नोस का डिफरेंस होता ही होता है कोई भी फिजिकली सेम नहीं दिख सकता रीजन बीइ डाइट डिफरेंट हो सकती है दोनों की एनवायरमेंट डिफरेंट हो सकता है दोनों का खाने का तरीका रहने का तरीका लाइफ से डील करने का तरीका डिटेरिएट जो इन्वायरमेंट कर रहा है सब कुछ क्या है दोनों का डिफरेंट हो सकता है उनका सिर्फ जेनेटिक कोड सेम है पर वो डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि बाद में इन्वायरमेंट ने भी रोल प्ले करा है फिजिकल अपेयरेंस में भी अब एक इंसान जो था मोनोजाकोडिक डे एक अफ्रीका चला गया और एक कश्मीर चला गया तो एक का सनबर्न हो गया <laughs> दूसरे को इशू हो गया वो कभी सेम नहीं दिखेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमेशा होंगे फिजिकल में भी किसी की हेयर लेंथ लंबी होगी किसी के बाल उड़ जाएंगे तो ये क्या है आपके फिजिकल अपेयरेंस में जो डिफरेंसेस होते हैं सिमिलरली बोथ चलेगा आपका इन्वायरमेंट इन टू जेनेटिक्स ठीक है देन डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस लेवल किसी का सेम नहीं हो सकता मे बी मेरा स्कोर वन ट्वेंटी हो मे बी किसी एक का वन फोर्टी हो मे बी किसी का बिल्कुल एट्टी हो ठीक है सो अगेन इंटेलिजेंस भी सबका डिफरेंट होता है ठीक है अब इंटेलिजेंस किस एरिया में है वो भी डिफरेंट होगा किसी का म्यूजिकल इंटेलिजेंस अच्छा है किसी का दूसरा इंटेलिजेंस अच्छा है किसी का लर्निंग अच्छा है किसी का रीडिंग अच्छा है ठीक है अगेन देन डिफरेंसेस इन एटीट्यूड एटीट्यूड क्या है क्या होता है एटीट्यूड हाँ भाई तो क्या होता है एटीट्यूड एंड डिफरेंसेस इन एटीट्यूड समझ लिया एटीट्यूड क्या होता है लेमन टर्म में हम एटीट्यूड को कैसे यूज करते कोई बताएगा हाउ डू वी यूज एटीट्यूड इन ट क्या बोलते हैं हाउ यू बिहेव जैसे आप किसी के साथ रिएक्ट बात करते हो तो आप क्या करोगे कि इस इंसान में तो बड़ा एटीट्यूड है वी डू दिस थिंग इस इंसान में तो बड़ा एटीट्यूड है बट एटीट्यूड इज डिफरेंट एटीट्यूड इज टोटली डिफरेंट ठीक है साइकोलॉजिकल चीज़ है साइकोलॉजिकल टर्म है एटीट्यूड का मतलब बेसिकली क्या होता है हाउ यू परसीव बेसिकली योर व्यू पॉइंट है आपका जो व्यू पॉइंट है वो किसी और की तरफ कैसा है हाँ योर सब्जेक्टिव फीलिंग टूवर्ड्स अ थिंग इज नोन एज योर एटीट्यूड दैट कैन बी फेवरेबल दैट कैन बी अनफेवरेबल इफ यू हैव अनफेवरेबल एटीट्यूड टूवर्ड्स इट देन यू आर अगेंस्ट इट इफ यू हैव फेवरेबल यू आर सपोर्टिंग दैट थिंग तो ये होता है हमारा एटीट्यूड किसी भी चीज को लेके जैसे हमारा एक ग्लोबलाइजेशन है एक टर्म है ठीक है ग्लोबलाइजेशन हम किसको बोलते हैं कि जो वेस्टर्न जो है वो चीज़ यहाँ पे आ रही है वेस्टर्न कल्चर सिमिलरली जो इंडियन कल्चर है वो बाहर भी जा रहा है दैट बेसिकली वी आर इंटरेक्टिंग विद द आउटर वर्ल्ड अब इसमें क्या है ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी टर्म है जिसकी तरफ किसी का नेगेटिव भी हो सकता है एटीट्यूड किसी का पॉजिटिव भी हो सकता है ठीक है फीलिंग बेसिकली इट्स अ सब्जेक्टिव फीलिंग टूअर्ड अ थिंग टूअर्ड अ पर्सन और टूअर्ड फिनोमिना किसी की भी तरफ एक सब्जेक्टिव फीलिंग इज नोन एज एटीट्यूड ये आपका एटीट्यूड उसकी तरफ कैसा है तो अगेन पीपल कैन बी डिफरेंट इन देयर एटीट्यूड्स मे बी आई सपोर्ट ग्लोबलाइजेशन मे बी यू विल नॉट राइट हम हो सकता है ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करें हमारी जो क्या कहते हैं पिछली जनरेशन है वो क्या बोलते हैं हमारी सभ्यता खो गई हम जीन्स पहनते हैं बेसिकली वॉट वेस्टर्नाइजेशन इंडिया में तो जीन्स अलाउड ही नहीं थी कभी ठीक है तो ये क्या है आपका ग्लोबलाइजेशन का पार्ट हो गया अब ये चीज़ कुछ जो ऑर्थोडॉक्स वाले हैं वो कह देंगे नहीं भाई सही नहीं है ठीक है अब हम हैं हमें ग्लोबलाइजेशन से क्या क्या चीज़ें मिल गई इंटरनेट मिल गया फोन्स मिल गए कनेक्टिविटी मिल गई बहुत चीज़ें मिल गई ठीक है एक डिफरेंट अप्रोच हमें मिल गई हम हो सकता है ग्लोबलाइजेशन को पॉजिटिव वे में देखें राइट right? वो किस में देखेंगे नेगेटिव में कि हमारी सभ्यता चली गई ठीक है हमारी डाइवर्सिटी जा रही है लोग अब कैसे कैसे होते जा रहे हैं लोग वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा फॉलो करने लगते हैं तो ये क्या बोलेंगे कि हमारी सभ्यता जा रही है ठीक है तो उनका ग्लोबलाइजेशन की तरफ जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव है हमारा क्या है पॉजिटिव है सिमिलरली एक और क्वेश्चन है कि क्या एटीट्यूड हमेशा बिहेवियर में दिखेगा अच्छा जो एटीट्यूड है आपका वो हमेशा आपके बिहेवियर में दिखेगा जो आपका एटीट्यूड है उसी हिसाब से आप बिहेव करेंगे अच्छा चलो आपका एक बॉस है सामने ठीक है बॉस के सामने आपको कुछ चीज़ पसंद नहीं है एंड योर बॉस इज डूइंग दैट एंड यू आर हैविंग अ नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड दैट थिंग ठीक है विल यू बी एबल टू टेल दैट पर्सन अथॉरिटी एटीट्यूड सप्रेस हुआ बिहेवियर में दिखा चाहे आप उसकी तरफ इंटरेक्ट ना करो तो इंटरनल एटीट्यूड जो है वो हमेशा आपका बिहेवियर में नहीं दिखता इट इज समेर रिलेटेड टू एनवायरमेंट सिमिलरली कोई आपका अगर लोअर पे होगा लोअर पोजिशन पे आपसे होगा वो अगर उसमें कुछ नेगेटिव बोलेगा देन यू विल अटैक तो ये क्या है कि आपका एन्वायरमेंट कितना सूटेबल है आपके प्रोज एंड कॉन्स क्या है एटीट्यूड को सामने लाने के हाँ बट यू योर सेल्फ कॉन्ट शो इट इन योर बिहेवियर एट टाइम्स ठीक है इट्स टोटली अप टू द पोजिशन वेयर यू आर आपके जगह पे है आपकी सराउंडिंग में है उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा एटीट्यूड जो है वो दिखाएंगे कौन सा नहीं दिखाएंगे ठीक है बहुत से इंसान आज भी हैं जो ये चीज बोल देंगे कि नहीं हम फीमेल एम्पावरमेंट में बिलीव करते हैं कह देंगे हम फीमेल एम्पावरमेंट में बिलीव करते हैं लेकिन अंदर से दे आर नॉट सपोर्टिंग दैट डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन लोगों को क्या करेंगे पीछे खींचेंगे अभी जब लड़कियों की अरेंज मैरिज होती है उसमें सबसे बड़ा स्कैम होता है ये चीज़ जी हम तो पढ़ा लेंगे आगे इसकी मर्जी है जैसे पढ़े वैसे पढ़ लेगी लेकिन शादी के बाद कितने लोग सपोर्ट करते हैं कुछ ही हैं केसेस जो सपोर्ट करते हैं और अब थोड़े ज़्यादा करने लगे पहले इतने भी नहीं करते थे अब पार्ट फ्रॉम इट उसके बाद सीधा सीधा रिस्पॉन्सिबिलिटीज पकड़ा दी जाती हैं इट हैपन्स प्रैक्टिकली इट हैपन्स तो ये क्या है कि एटीट्यूड उनका बिहेवियर में नहीं दिखता लेकिन समवेयर बाद में जब चीज़ें गई तो फिर क्या हुआ उन्होंने कहीं ना कहीं से इनडायरेक्टली उस चीज को पकड़ लिया ठीक है चाहे वो बच्चे के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है मैरिड लाइफ में उनके लिए बट दे बात करेंगे डिफरेंसेस इन अचीवमेंट हर किसी की अचीवमेंट डिफरेंट है लाइफ में आपने कुछ और अचीव किया है किसी ने कुछ और अचीव किया है किसी की हर एक की जर्नी जो है बेसिकली वो क्या है डिफरेंट है अगर हम छोटी-छोटी अचीवमेंट्स -छोटी को लेकर बात करें तो एंड सिमिलरली तो हमारा जो अचीवमेंट का केस है वो हर किसी का क्या है डिफरेंट है हम किसी की ग्रोथ को किसी की अचीवमेंट को खुद से कभी भी रिलेट नहीं कर सकते इसीलिए कहते हैं डोंट कंपेयर योर हमें नहीं पता वो इंसान वहाँ कितना मुश्किल से पहुँचा है ठीक है या उसकी क्या लाइफ स्टाइल रही है वो कैसे कैसे सफ़र करके या स्ट्रगल करके है ठीक है तो डिफरेंसिज इन अचीवमेंट दैट डिफ्रेंसिस इन मोटर एबिलिटी मोटर एबिलिटी कोई एथलीट है उसकी मोटर एबिलिटी बहुत अच्छी होगी भाग रहा है कूद रहा है आपकी सेम है नहीं है तो अगेन डिफरेंस इन मोटर एबिलिटी मेरे हाथ के जेस्टर अलग हैं करने का तरीका अलग है आपका अलग होगा ठीक है ये क्या है एबिलिटी इन मतलब सॉरी डिफरेंस इज इन मोटर एबिलिटी बेसिकली मूवमेंट किसी का चलना कैसा है किसी का चलना कैसा है वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ वॉक्स वैन इट कम्स टू पीपल सो दैट विल ऑल्सो कम अंडर द डिफरेंस इज इन मोटर एबिलिटी ठीक है कोई तेज़ चलेगा कोई स्लो चलेगा कोई मीडियम चलेगा कोई फास्ट चलता बहुत ज़्यादा ठीक है देन डिफरेंस ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स मेल फीमेल डिफरेंट है उनका डिफरेंस कहीं से छुपा है फीमेल्स में ऑलरेडी थोड़ा काम कॉम्पोज़िट रहने वाले हॉर्मोन्स होते हैं मेल्स हैव टेस्टोस्टेरॉन विच इज़ वन ऑफ द अग्रेसिव हॉर्मोन जो बेसिकली अग्रेशन का एक डिस्पोजिशन है उनके अंदर ज़्यादा ठीक है सिमिलरली फीमेल में जो हॉमोन है वो कम है दैट्स वाई दे आर काम एन कॉम्पोजिट तो जेंडर या फिर जो आपका सेक्स है उसके हिसाब से भी आप में क्या होते हैं डिफरेंसेज होते हैं ठीक है देन रेशियल डिफरेंसेज रेशियल डिफरेंसेज क्या होते हैं ठीक है अफ्रीकन रेस और हमारी रेस सेम है वेस्टर्न रेस और हमारी रेस सेम है तो इट इज बेस्ड ऑन द रेस ठीक है देन डिफरेंसिस ड्यू टू नेशनलिटी इंडियंस कभी अमेरिकन जैसे दिख सकते हैं या अमेरिकन जैसे सोच सकते हैं डिफरेंसेस होंगे दोनों की नेशनलिटी की वजह से ठीक है देन डिफरेंसेस ड्यू टू इकोनॉमिक स्टेटस एक गरीब का बच्चा और एक अमीर का बच्चा दोनों में डिफरेंसेस होंगे ठीक है हाँ फाइनेंशियली और वो इवेंचुअली लाइफ टाइम का डिफरेंस होगा अमीर का बच्चा ज़्यादा उसमें रहेगा कम्फर्ट में रहेगा उसे थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट दिक्कत दे देगा एक बच्चा जो बचपन से ही डिस्कम्फर्ट में जी रहा है तो वो लाइफ को इजीली टैगल कर लेगा देन डिफरेंसिस ऑफ इंटरेस्ट कोई नाचना चाह रहा है कोई गाना चाह रहा है हर किसी का इंटरेस्ट जो है वो क्या है डिफरेंट है इंटरेस्ट इन देंस कि आप किस चीज़ में खुद को ये समझते हो कि आई कैन डू इनपुट इन दैट ठीक है जिसमें आप इनपुट देना चाहते हो so, सो सबके इंटरेस्ट डिफरेंट है किसी का साइंस में किसी का मैथ में है देन इमोशनल डिफरेंस कुछ लोग हल्की सी बात पे चिल्लाना रोना स्टार्ट कर देंगे आपा खूँ आप बैठते हैं कुछ लोग बड़ी से बड़ी चीज आपकी हो जाती है लेकिन देर लाइक ले काम कॉम्पोजिट फिर कुछ मीडियम वाले भी होते हैं तो ये भी क्या हो गया आपके डिफरेंसेस इन इमोशनल सिमिलरली डिफरेंस जो है ये इमोशनल क्वेश्चन में हर किसी का डिफरेंट होगा इमोशन से डील कैसे करना है इमोशंस को लेके आगे कैसे चलना है वो सारा आपका हर एक में डिफरेंट होगा ठीक है देन पर्सनैलिटी डिफरेंसेस एक पर्सन की और दूसरे पर्सन की पर्सनैलिटी कभी सेम हो सकती है नहीं हो सकता तो आपका हमेशा पर्सनैलिटी डिफरेंस जो है वो भी आपका इंडिविजुअल डिफरेंस में रहेगा ठीक है क्लियर आगे चलें तो नेक्स्ट वन इज कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस अब क्या है इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपके हुए कैसे हैं फर्स्ट वन विल बी हेरिडिटी ठीक है हेरिडिटी हर किसी को पता है कि हर किसी का सेम नहीं है ठीक है हेरिडिटी हर किसी की सेम नहीं होती अब इसमें अगर हम बात करें मोनोजाइकोटिक उनकी सेम होगी मोनोजाइगोटिक ट्विंस डायजाइगोटिक ठीक है उनकी देखो ट्विंस जो होते हैं आपके दो तरीके के होते हैं पहली बात एक होता है मोनोजाइगोटिक एक होता है डायजाइगोटिक जहाँ हम बात करते हैं मोनोडागो डा मतलब मोनोजागोटिक दिया। की एक ही तो उसमें स्पर्म होता है और एक ही उसमें क्या होता है एग होता है ठीक है इनका ही फर्टिलाइजेशन होता है फिर वो आगे जाके आपका दो सेल डिफरेंट डिफरेंट बन जाते हैं ठीक है एमन्यूटिक एमनियोटिक फ्लोड फ्लूड जो होता है जिसमें बच्चा होता है वो इन दोनों का क्या होता है सेम होता है हाँ इनका जो जेनेटिक कोड है वो भी क्या होता है सेम होता है ये बिल्कुल ही सेम होता है यही बच्चे जो हैं वो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल चंगू मंगू रामू शामू जिनका पता नहीं चलता कौन है ऐसे बच्चे होते हैं मोनो हाँ मोनोजाइगोटिक जो बिल्कुल आइडेंटिकल टू इन इन्हें बोलेंगे क्या बोलेंगे ठीक है कुछ लोग ऐसे देखें जो जुड़वा होते हैं और पता नहीं लगता जुड़वा है दो -जार बिल्कुल डिफरेंट उनमें क्या होगा दो एग होंगे ठीक है दो ही स्वाम होंगे डिफरेंट हुआ दोनों का जेनेटिक भी डिफरेंस होगा उनका ठीक है देन ये अपना आगे चल रहा है ये अपना आगे चल रहा है ये अपना आगे चलेगा ये आगे चलेगा इसका अलग होगा एमनियोटिक एमनियोटिक इसका अलग होगा 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 इन दोनों का भी क्या डिफरेंट इनका जेनेटिक कोड भी डिफरेंट होगा ट्विंस बस बॉम्ब सेम है बॉम्ब सेम रहेगी एमनियोटिक फ्लूड भी डिफरेंट है ठीक है जेनेटिक कोड भी डिफरेंट है सिमिलरली इनकी शक्ल फिजिकल अपेयरेंस हर चीज क्या होगी डिफरेंट होगी हाँ प्रोसेस नॉर्मल भी यही चलता है कि वो होके फिर पहले यहाँ पे जायगॉर्ड बनता है फिर ब्लास्टोसिस्ट बनता है तो धीरे धीरे फीटस बन जाता है तो प्रोसेस वही चलेगी लेकिन डिफरेंट डिफरेंट सिमिलरली उसमें क्या था उसमें दो लोग सेम ही एमनियोटिक सेक को शेयर करेंगे जेनेटिक सेम है जेनेटिक कोड सेम है तभी तो वो आइडेंटिकल बनते हैं जैसा जुड़वा पिक्चर में दिखाए हैं वो मोनोजाइगोटिक है डायजाइगोटिक कभी सेम नहीं होतीयरमेंट कोई किसी एनवायरमेंट में है कोई किसी में है किसी को कैसा मिला है तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपके एनवायरमेंट के हिसाब से भी चेंज होते हैं होंगे देन कास्ट रेस एंड नेशन एज आई टोल्ड टीचर्स पढ़ा चुकी हूँ डिफरेंसेस अगेन सेम थिंग एज एंड इंटेलिजेंस हमारा एज आपकी एज और मेरी एज डिफरेंट है दोनों में ही मतलब एज अलग से इंटेलिजेंस अलग से ठीक है तो हमेशा दो लोगों का सेम नहीं हो सकता ना एज ना इंटेलिजेंस ठीक है इनकी वजह से भी आपका क्या आता है ये क्या पढ़ रहे हैं हम वी आर रीडिंग कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेज तो एज और इंटेलिजेंस के हिसाब से भी आएगा टेम्परामेंट एंड इमोशनल स्टेबिलिटी टेम्परामेंट क्या होता है कितनी जल्दी में गुस्सा आएगा कितने हम रिजिड हैं कितने हम स्ट्रॉन्ग हैं वो आपका क्या है टेम्परामेंट क्या आप हमेशा ही गुस्से में रहते हो काम कंपोजिट रहते हो तो दिस कम्स अंडर द टेम्परामेंट फिर इमोशनल स्टेबिलिटी कोई इमोशनली बहुत स्टेबल होता है कोई इमोशनली बहुत फ्रेजाइल होता है छोटा सा कुछ कह दो रोना स्टार्ट कर दिया ठीक है देन अदर कॉजेस क्या है इंटरेस्ट एप्टीट्यूड अचीवमेंट सेंटीमेंट सबके सेंटीमेंट अलग अलग होते हैं सब्जेक्टिव फीलिंग जिसे हम बोलेंगे हर कोई अलग तरीके की फील करता है मे बी एक चीज आपको बुरी लग जाए दूसरे को ना लगे फीलिंग्स कैरेक्टर एजुकेशनल होम बैकग्राउंड एंड मतलब ये सारे भी आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पढ़ाएंगे देन इकोनॉमिक कंडीशन एंड एजुकेशन क्लियर है तो ये आपकी तरीके हैं जिनके थ्रू इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो आते हैं ठीक है देन रोल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन एजुकेशन ठीक है अब ये हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एजुकेशन में क्या रोल है कोई बताएगा क्या रोल है कोई बिलो द इंटेलिजेंस होगा कोई एवरेज होगा कोई अबो होगा तो ये आपके किस में आ गया अगेन ठीक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस में अब इसको हम किस तरीके से टैकल कर सकते किस तरीके से इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख के पढ़ा सकते हैं क्योंकि अगर हम एक एवरेज चाइल्ड के हिसाब से एक बिलो एवरेज चाइल्ड को पढ़ा रहे हैं तो वो उसके बिहाफ पे क्या हो गया है डिस्क्रिमिनेशन उसे चीज़ें समझ नहीं आएंगी तो हमें उसके हिसाब से भी क्लासरूम की सेटिंग रखनी पड़ेगी तो उसके लिए हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हैं वेन एवर इट कम्स टू एजुकेशन दिस इज द मेजर ऑब्जेक्टिव टू नो द इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द एजुकेशन ठीक है सो लिमिटेड साइज ऑफ द क्लास पहली चीज़ क्या है कि साइज जो है क्लास का वो फिफ्टी पर स्टूडेंट है फिफ्टी फिफ्टी बाय वन रेशो है ठीक है कि पचास स्टूडेंट पे एक टीचर तो कम रखें मतलब जो भी है आपका कम रखेंगे सो दैट टीचर जो है वो इंडिविजुअली बच्चों को समझ सके अगर बच्चे हैं आठ हजार दस हजार नौ हजार तो बच्चा कर सकता है इंटरेक्ट ठीक है सो so, एक लिमिटेड साइज छः सौ सात सौ बच्चे हैं क्लास में करेगा टीचर इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा वो उसके पॉसिबल ही नहीं वो टैकल ही नहीं कर पाएगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस को तो इसीलिए हम क्या रखेंगे लिमिटेड राइट देन प्रॉपर डिवीजन ऑफ द क्लास ठीक है का जो डिवीजन जो हमारे सेक्शंस बढ़ जाते हैं दिस इज द रीजन कि क्लास का जो डिवीजन है वो प्रॉपरली हो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख के ठीक है देन होम टास्क उसके थ्रू भी वी कैन कर्व दैट फैक्टर ऑफ सेक्स ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा मेल फीमेल का पहले पढ़ा चुकी हूँ किस तरीके से आप कर सकते हो देन करिकुलम करिकुलम ऐसा हो जो इंडिविजुअल नीड्स को कैटर करे ऐसा ना हो कि किसी को पीछे छोड़ दे देन मेथड ऑफ टीचिंग वहाँ पे भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाएंगी किसी को कैसे समझ आता है किसी को कैसे आता है किसी को मैप से आएगा किसी को लेक्चर से आएगा किसी को सुन के आएगा किसी को लिख के आएगा देन एजुकेशनल गाइडेंस आगे जाके उसे लाइफ में क्या करना है वोकेशनल गाइडेंस किस तरीके से वो आगे कमा सकता है वोकेशनली स्किल डिपेंडेंट तो उसमें वो किस तरीके से कमा सकता है किस तरीके से चल सकता है वो उसके अंदर आएगा देन इंडिविजुअल ट्रेनिंग एक पर्सन को इंडिविजुअली अगर हम ट्रेन करेंगे तो भी आपको क्या है जो ये रोल ऑफ इंडिविजुअल है उनको आप क्या कर सकते हैं कर्व कर सकते हैं अब हम बात करेंगे इफेक्टिव पेडागोडिकल वेज ठीक है ये आपके क्या था कि डिफरेंसेस किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहे हैं किस तरीके से उन्हें हम क्योर कर रहे हैं अगेन थिंग्स रिमेन्स द सेम जो पीछे पढ़ाया है वही चीजें चल रही हैं ऑन द बेस ऑफ सेक्स ऑन द बेस ऑफ एजुकेशन जो नया था वो मैंने बता दिया ठीक है आगे देखते हैं हम सो इफेक्टिव पेडागोगिकल वेज अब कौन से पेडागोगिकल वेज ऐसे हैं जिनके थ्रू हम इन चीजों को कर्व करेंगे ठीक है द फर्स्ट वन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ कंटेंट ठीक है मतलब अगर मैंने रिसर्च पढ़ा है किसी को तो रिसर्च सोशोलॉजी में भी चलेगी साइकोलॉजी में भी चलेगी फिलोसफी में भी चलेगी हर एक में चलेगी तो हम इंटरकनेक्ट करके पढ़ा सकते ठीक है तो ये क्या हो गया इंटीग्रेट कर दिया सारे कंटेंट को डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन लगता है किसी को जरूरत है तो उसको उस तरीके का इंस्ट्रक्शन दिया जाए एक्स्ट्रा क्लास ले लो बच्चों की अगर लगता है कि कुछ बच्चे बिलो द एबिलिटी जा रहे हैं तो उनका क्या करो एक्स्ट्रा क्लास ले लो आफ्टर द तो वो आपका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन अब एबिलिटी ग्रुपिंग एबिलिटी ग्रुपिंग दो तरीके की होगी बेसिकली एबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट आपने ग्रुप को क्या कर दिया डिवाइड कर दिया ठीक है मतलब ग्रुपिंग बताती हूँ अभी अब ये इट कैन बी होमोजेनस इट कैन बी हेट्रोजिनस होमोजेनस में हमने क्या करा बेसिकली कि जो इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट थे उनको एक ग्रुप में कर दिया जो थोड़ा लो परफॉर्म कर रहे थे उनको हमने एक ग्रुप में कर दिया तो ये आपका होमोजिनस हो गया सेम आई क्यू के लेवल के ठीक है इसमें क्या होगा सेम मतलब सेम बेसिकली एबिलिटी आई क्यू तो हम क्यों ही बोले ठीक है हम क्या बोलेंगे एबिलिटी इसमें क्या होगी सेम एबिलिटी वाले लोग होंगे जो सेम लेवल पर है ठीक है लाइक रेंज बना दिया देन हिड्रोजिनस में क्या होगा मिक्स अब होमोजिनस और हिट्रोजीनस में दिक्कत क्या है होमोजिनस में हमें ये इशू है इट कैन लीड टू डिस्क्रिमिनेशन अगर हमने होमोजिनस ग्रुप बना के सपोज ए बी और सी सेक्शन बांट दिए तो ए सेक्शन बी वाले की रिस्पेक्ट नहीं करेगा और बी वाला सी की रिस्पेक्ट नहीं करेगा ये क्या है हमसे लोअर है सिमिलरली लोगों में डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा बच्चों का खुद का मोटो जो है वो लो हो जाएगा क्लियर हुआ कि हम होमोजेनस क्यों नहीं ऑप्ट करते ज्यादातर देन हम बात करेंगे हिट्रोजिनस अब हिट्रोजिनस में मिक्स है एक जो पर्सन है जो ज्यादा इंटेलिजेंट है वो बाकियों को पढ़ा सकता है ठीक है या बाकियों के साथ डील कर सकता है वो हो सकता है टीचर से पर्सन ना सीखे ग्रुपिंग में हम यही है ना कि हम स्टडी के लिए ग्रुप बना रहे हैं अब हिट्रोजिनस है एक बच्चा स्मार्ट है बाकी के थोड़े दो बच्चे स्मार्ट हमने उस ग्रुप में रखते तो अब क्या होगा कि वो उससे पूछ लेंगे वो सीख लेंगे तो इकट्ठा मिलके थोड़ा आपका ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा तो आप के भी कर सकते हैं। ठीक है वो रिमूव करना इंपॉर्टेंट अगर कोई कह भी रहा है तो अटैक दैट पर्सन की क्यों कह रहे हो मतलब उसे उसी टाइम पर बोलो मूविंग कि क्यों कह रहे हो आप ये बात ठीक है प्रीजुडिस का रिमूवल करना किसी को एक प्रॉपर आप ये मत दे दो कि टैग कि हाँ ये डम है या ये परफॉर्म ही नहीं कर सकते ठीक है वो हमें रिमूव करना होगा देन जेंडर फ्री परस्पेक्टिव प्रस्पेक्टिव कैसा रखना है जेंडर फ्री सो दैट आपका ये काम हो और इगेलिटेरियन पेडाज मतलब पेड कि आपका जो है आप प्रॉपर मतलब इगेलिटेरियन इन देंस कि ओवरऑल डेवलपमेंट की उधर बात करें जो भी आपकी टीचिंग है वो ये ना हो कि अगर बच्चे ने कोई और डाउट पूछ लिया तो आपने वो डिस्करेज कर दिया इफ़ आई एम टीचिंग दिस टॉपिक एंड सम वन विल आस्क मी अ डाउट रिगार्डिंग समथिंग जो उसके दिमाग में चल रहा है ठीक है तो मुझे उसका आंसर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उधर ठीक है हम मैं बच्चे के डाउट को डिस्करेज नहीं कर सकता क्योंकि वो उसकी मेंटल डेवलपमेंट हो रही है दैट्स वाई द पर्सन इज आस्किंग अ डाउट हम बोलते हैं कि कोई भी लर्निंग बिना डाउट के नहीं हो सकती and इट happens जो पढ़ेगा उसे डाउट आएगा ही आएगा तो ये आपका एक एलिटेन पेडोगॉगी में आ गया कि बच्चों को ओवरऑल पढ़ाया जाए ऐसा नहीं हो कि कोई अगर डाउट है कुछ ऐसा हो तो टीचर डिस्करेज कर क्लियर ठीक है तो ये इंडिविजुअल डिफ्रेंसेज भी आपका आज यहीं पे खत्म हो गया अब जो नेक्स्ट लेक्चर है या नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम आगे पढ़ेंगे जिसमें आपका असेसमेंट और ये सब आने वाला है किस तरीके से आप करेंगे कौन सी टेस्टिंग करेंगे उसके बाद स्पेशल एजुकेशन वाले यूनिट स्टार्ट करेंगे ठीक है सो आज का लेक्चर यहीं एंड करेंगे हम बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करिए ठीक है ओके बाय